हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने IAS की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और आज उसे कंटिन्यू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और आप देखेंगे कि किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स इंडिया में है। हमारा जो सिस्टम है, अगर आप देखें तो जुडिशियल सिस्टम, मैंने एक बार बताया था कि आवर्स इज अ फेडरल कंट्री, एक संघीय यहाँ पर सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। और फेडरल सिस्टम की विशेषता होती है शक्तियों का बंटवारा, यानी डिवीजन ऑफ पावर्स। तो किन शक्तियों का बंटवारा है? अगर आप भारत और अमेरिका की तुलना करें, अमेरिका को क्लासिकल फेडरलिज्म का कंट्री माना जाता है। जो फेडरल सेटअप अमेरिका में है वो क्लासिकल फेडरलिज्म है, और बाद में कई देशों में फेडरल सिस्टम आया, जैसे कनाडा में भी आया और इंडिया में भी आया, राइट? तो फेडरल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि शक्तियों का बंटवारा होता है, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर्स। अब कैसी शक्तियों का बंटवारा होगा? तो डेफिनेटली सरकार की शक्तियों का बंटवारा होगा। सरकार की शक्तियों का यानी जो गवर्नमेंट के जो पावर है उसी का ना बंटवारा होगा। और किसके बीच में होगा? तो एक तरफ संघ की सरकार है जिसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और एक तरफ राज्यों की सरकार है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और ये दोनों मिलकर फेडरल सेटअप को जन्म देते हैं। तो सरकार, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के तीन फंक्शन हैं जो हम लोग बताए हुए हैं। गवर्नमेंट के फंक्शन तो तीन ही है, एक कानून बनाएगा, दूसरा कानून लागू करेगा, और तीसरा ये देखेगा कि कानून बनाते समय या कानून लागू करते समय नियमों का सही से अनुपालन हुआ या नहीं हुआ, और संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ। यह काम जुडिशियरी का है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का फंक्शन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। एक जगह यहां पर नियमों को लागू किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के द्वारा कानून का निर्माण किया जा रहा है, और जुडिशियरी उन कानूनों की व्याख्या कर रही है। यही ना तीन काम है। और जब फेडरल सेटअप की आप बात करते हैं तो इन्हीं तीनों कामों का ना बंटवारा होगा केंद्र और राज्य के बीच में। यही तीनों फंक्शन का, शक्तियों का बंटवारा होता है। तो आप देखेंगे कि भारत में एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी डिवाइडेड है, और यूनियन में अगर देखेंगे तो वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, और राज्यों में देखेंगे तो यहां चीफ मिनिस्टर हैं, और यहां पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं प्रत्येक राज्यों में। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब कानून को लागू करने की बात हो रही है, एग्जीक्यूशन कार्यपालिका शक्ति का बंटवारा है। अगर आप लेजिस्लेटिव पावर की देखें, विधायिका की शक्तियों का देखें, तो हमारे देश में विधायी शक्तियों का भी बंटवारा है, और इन शक्तियों का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, पूर्ण विवरण है संविधान के अनुच्छेद 7 में। 7 शेड्यूल, अनुच्छेद नहीं, सॉरी, इसका कौन सा है, शेड्यूल, 7th शेड्यूल में क्लियर कट अनुसूची में दिया हुआ है कि यह संघ सूची है, ये राज्य सूची है, ये समवर्ती सूची है, और किस सब्जेक्ट पर कौन सा कानून बनाएगा यह भी बहुत क्लियर कट है। और पैसे की भी आवश्यकता है, तो फाइनेंशियल पावर भी डिवाइडेड है केंद्र और राज्य के बीच में। जो करों का संग्रह होता है उसका बंटवारा होता है, और इसके लिए संवैधानिक बॉडी है, एक तो आपका फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280, और एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है अंडर 279A। यह भी एक संवैधानिक बॉडी है जो जीएसटी के पैसों को बंटवारों के बारे में राय देती है। कुल मिलाकर आपका जो बंटवारा है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, ये तीनों बंटवारा इंडिया में मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी तुरंत
बताया। अमेरिका में जुडिशियल फंक्शन भी डिवाइडेड है। जो जुडिशियरी है वह भी अमेरिका में न्यायिक शक्तियों का बंटवारा मिलेगा। वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में मिलेगा और प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट भी मिलेगा। और इंडिया में ऐसी बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट हो, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इन आवर केस, हम लोगों के मामले में, भारतीय गणतंत्र के मामले में अमेरिकी सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया है जहां तक न्यायिक शक्तियों के बंटवारे का सवाल है। एग्जीक्यूटिव बटा हुआ है, लेजिस्लेटिव बटा हुआ है, फाइनेंशियल का भी बंटवारा है, डिवीजन ऑफ पावर्स की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। और हमारी जो न्यायपालिका है उसको कहते हैं सिंगल एंड इंटीग्रेटेड। ये वर्ड हमारे लिए आता है, सिंगल यानी एक है और इंटीग्रेटेड है यानी कि एकीकृत है। सिंगल मतलब एक और इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत। ये हमारा न्यायिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल स्ट्रक्चर है, जिसके टॉप पर हमारे यहां मिलेगा, टॉप में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे मिल जाएगा हाई कोर्ट और उसके नीचे मिल जाएगा लोअर कोर्ट। ये हमारा न्यायिक सिस्टम है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां सुप्रीम कोर्ट है और प्रत्येक राज्यों का अपना अपना हाई कोर्ट है। इवन जुडिशियल फंक्शंस आर डिवाइडेड, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द यूएस फेडरल सिस्टम एंड इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल, कहीं भी जुडिशियरी रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगा, जहां पर भी फेडरल सिस्टम रहेगा। तो फेडरल सिस्टम जहां पर भी रहेगा, तो फेडरल सिस्टम की विशेषता है कि फेडरल सिस्टम के लिए एक संविधान होगा और यह संविधान जीवित रहे, इसको कोई जला ना दे, इसको कोई ध्वस्त ना कर दे, इसके लिए तो एक रखवाला चाहिए और वह रखवाला सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई नहीं हो सकता। जहां पर भी फेडरल सिस्टम मिलेगा वहां पर संविधान की सर्वोच्चता होगी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस सुप्रीमेसी को कौन बहाल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। दैट्स व्हाई द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। सो हमारा सिस्टम कैसा है, क्योंकि मैं जो बात आपके समक्ष रख रहा हूं वो इंटरव्यू का भी प्रश्न है। हमारा सिस्टम जितना अभी मैंने बात कहा वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का विषय है जो जानना है। सो सिंगल और इंटीग्रेटेड है, और इसीलिए आप देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है और हाई कोर्ट चारों तरफ यहां पर मिलेगा। ये हमारे देश का इस तरह से सिस्टम है जो कि कल मैंने आपको बताया था। जो बताया था उससे आगे जाएंगे। कल मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हो रही है। कल मैंने बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस प्रकार से हो रही है, आर्टिकल वाइज बताया था आपको। हमने यह भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बन कैसे रहा है, और हमने यह भी बताया था कि नंबर ऑफ अदर जजेज क्या है। हमने कहा था कि जब संविधान बना था तो उस समय अदर जजेज 7 थे, नॉट मोर देन 7 जजेज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है। यह 7 जजेज की संख्या समय समय पर बढ़ती गई और आज की तारीख में अगर आप देखें तो यह हो गया है 33 चीफ जस्टिस के अलावा 33 जजेज हो गए हैं। हमने बताया था कि किस तरह से अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में टोटल, राइट। और हमने यह भी बताया था कि ये हाई कोर्ट का जो ये आर्टिकल्स हैं 214, 231, 216, वो कैसे कहता है कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो, है ना। इसमें राज्यों का कोई रोल नहीं है। यूपीएससी जोर देगा कि राज्य के रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट एक नया हाई कोर्ट बना सकता है, कोई राज्यों का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए जो दिया हुआ है। इतनी बातें मैंने कही थी, क्लियर था स्लाइड। दूसरा भी कल मैं डिस्कस किया था और उसमें मैंने यह बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट कहां बैठेगा, तो दिल्ली में, और हाई कोर्ट का तो रेस्पेक्टिव कैपिटल में सब जगह है, उसकी खंडपीठ भी बैठती है, डिवीजन भी है। हमने जजों के नियुक्ति का भी मामला कल टेकअप किया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं,
कल मैंने ये एक्सप्लेन किया था आप लोगों के समक्ष कि कैसे संविधान में एक संशोधन हुआ और संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई। यह संशोधन 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जिसके माध्यम से 2014 में यह संशोधन किया गया और इस संशोधन को और जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में अनेक ग्राउंड पर और सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। दिस केस वाज डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और 16/10/2015 को और कहा कि यह जो संशोधन है वो न्यायपालिका के स्वतंत्रता और निष्पक्षता का हनन करती है जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचा है और इसलिए यह संशोधन असंवैधानिक है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल संविधान के संशोधन को रद्द कर दिया, उस संशोधन के माध्यम से जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात थी उसको भी रद्द कर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से दो काम किए जाने थे, एक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होनी थी और दूसरा हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर होना था एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने पुराने कोलेजियम व्यवस्था को बहाल कर दिया जिस कोलेजियम के माध्यम से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती थी वो आज सिस्टम पुनः बहाल हो गई इस जजमेंट के बाद। हालांकि ये बातें अभी भी इस संविधान के बुक में लिखी हुई है, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि संविधान क्या है, जैसा कि जज लोग एक्सप्लेन करता है, तो कभी भी संविधान की जो बुक है, जो बेयर एक्ट है, अगर उसके साथ आप न्यायिक निर्णयों को जोड़कर नहीं पढ़ते हैं तो संविधान का एक समग्र व्यू, एक क्लियर पिक्चर आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर इन रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर हमने बताया था कि कॉलेजियम बनता कैसे है, हाउ कॉलेजियम इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज फार एज अपॉइंटमेंट इज कंसर्न। तो मैंने कॉलेजियम में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ऐसे बनता है, ये कल डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, मैं केवल रिकैप कर रहा हूं। और हमने बताया था कि रिटायरमेंट का एज क्या है, अब रिटायरमेंट पर भी बात, देखिए कई मेंस का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तो आपने उसको रद्द कर दिया, नेशनल जुडिशियल को कॉलेजियम आ गई, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था की अनेक खामियां हैं आज की तारीख में। जो मेंस का क्वेश्चन है वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरह से वैकेंसी है हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में उसको आप डील नहीं कर पा रहे हो और न्यायिक केस जो है जुडिशियल केसेस का अंबार लगता जा रहा है। आपको पता है कि कितना, आज से अगर सभी जज हो तो कम से कम 50 साल लगेगा सारा नील करने में केसेस को, और केस का निपटारा नहीं होना लोकतंत्र को फेल करने के समान है। द डेमोक्रेसी, द वेरी डेमोक्रेसी इज एज एट स्टेक, उसकी वो एक तरह से डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग और एडवर्सली अफेक्टेड होती है अगर आप केसेस को सोल्व नहीं करते हैं। तो ये एक मेंस का क्वेश्चन है, बात हो रही है कि इनके आयु, इनका रिटायरमेंट एज को भी बढ़ा दो यार, कुछ दिन तक ये और रहे, क्योंकि आपको नियुक्ति में बहुत टाइम लग रहा है, हर हाईकोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, सब सीट भरा नहीं गया है, ऐसे ही बात हो रही है। रिजाइनेशन के बारे में चर्चा किया और कहा कि एज के बारे में कोई इशू हो तो वो कैसे रिजोल्व होगा, दिस आई डिस्कस्ड यस्टरडे। एंड देन क्वालिफिकेशन, कल मैं डिस्कस किया था कि किस तरह से जजों के क्वालिफिकेशन को संविधान बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता है और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता है, और यह माइंड में सेट कर लेना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यह एक तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों के समक्ष में रखा था, क्योंकि आपको बिल्कुल इतना क्लियर हो जाएगा इससे, और अगर घर पर जाकर उसको रिवाइज कर ले, या तो बुक तो देखना ही है, अगर इस वीडियो को आप देख लें बार बार
अगर कुछ डाउट हो तो एकदम क्लियर है आपके पास, कहीं पर भी स्लाइटेस्ट भी डाउट नहीं रह जाएगा। यहां भी सिटीजन चाहिए, यहां पर भी सिटीजन है। यहां 5 साल हाई कोर्ट का जज हो तो यहां 10 साल तक लोअर कोर्ट का जज हो। और ये और वर्ड है, ये होगा या ये होगा या ये, कंडीशन है, क्वालिफिकेशन होता है ना ये। लेकिन नागरिकता सबको होना चाहिए, और नागरिकता में मैंने बताया था कि केवल नागरिक होना चाहिए। कैसे नागरिक हैं ये क्वेश्चन नहीं है, कि नेचुरल हैं, कि रजिस्टर्ड हैं, कि किस रूप में हैं, ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था। और आज का फंडामेंटल क्वेश्चन जो आज मैं शुरुआत कर रहा हूं रीकैप के बाद, वो ये है कि जजों को हटाया कैसे जाता है, हाउ जजेज आर रिमूव्ड। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का जज है, जहां तक हाई कोर्ट का जज है, उसे आप कैसे उनके पद से हटाओगे, आज यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। बुक में बहुत सी बातें हैं, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आपके बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको फ्लो चार्ट भी दे रहा हूं। फ्लो चार्ट यानी कैसे शुरुआत और कैसे अंत, ये दोनों क्लियर हो जाएगा, वसरते कि आप 100% इसको समझते हैं। स्टार्ट करते हैं यहीं से, राइट, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। रिमूवल प्रोसेस यानी कि हटाने की प्रक्रिया। कई लोग यह भी कहते हैं कि बोर्ड पर इंग्लिश ज्यादा लिखा है। एक बात आती है कि बोर्ड में इंग्लिश ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है? मेरी बातों पर ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उसके हिंदी तो मैं बता ही रहा हूं सारा, ठीक है। और इतना इंग्लिश से एलर्जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे इंग्लिश कितना वाइटल है आपके कंट्री में, जहां तक सिविल सेवा में जाने का सवाल है। अगर इंग्लिश से आपको एलर्जी है, देन ना बीपीएससी होगा ना यूपीएससी होगा, जानना ही जानना है इंग्लिश। इसलिए मिनिमम दे रहा हूं, और आपको अच्छा मानना चाहिए, एक ऐसा टीचर है जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके होता है, ऐसा मिक्स नॉर्मली नहीं होता है, या तो हिंदी में पढ़ाएगा या इंग्लिश में पढ़ाएगा, नॉर्मली ऐसा ही होता है। हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल कैसे है, सबसे पहले जानिए कि हटाने का कहां से आपको ग्राउंड मिलता है, कहां से प्रोविजन है। तो यह प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 124(2)(a) यहां पर बताया गया है हटाने के बारे में। यह प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और यहां पर है 217(1)(b) हाईकोर्ट के जजों को हटाने के बारे में। और इसमें कहा गया है 217(1)(b) में कि हाईकोर्ट का जज वैसे ही हटेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है, इसलिए यहां पर भी 124(4) लिख दिया गया है। 124(4) में ये बात है। अब सुनिए 124(4) क्या है, संविधान का बुक है, पढ़ना है, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो माइंड में याद रहने हैं। और ये कहता है अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि एक जज तभी सुप्रीम कोर्ट का हटेगा जब राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, यानी ये जरूरी है तभी हटेगा, 124 कहता है। यानी कि एक फॉर्मल ऑर्डर निकालना जरूरी है राष्ट्रपति के द्वारा। एड्रेस्ड बाय ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये ऑर्डर तभी निकलेगा जब यह मैटर पार्लियामेंट में जाएगा। सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, टोटल मेंबरशिप की बात हो रही है, दैट मींस लोकसभा में है 545 और राज्यसभा में है 245, ये टोटल मेंबरशिप है लोकसभा और राज्यसभा का। इसके मेजोरिटी की बात, अगर वैकेंसी अगर इसमें है, 2-4-10 लोग नहीं है, तो भी आप इस टोटल को काउंट करोगे 545, भले ही 530 ही है, 535 ही है, 10 लोग मान लो कि रिजाइन कर दिया, डिस्क्वालिफाई हो गया, जो भी हो, बट आप टोटल पर जाओगे, दैट्स व्हाई इट्स अ टोटल। उसके मेजोरिटी से भैया मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। एक वर्ड है सेम सेशन,
दो सेशन में नहीं होगा, यह पूरी घटना एक ही सेशन में हो जानी चाहिए, सेम सेशन में। दोनों हाउस पास करेगा इसका मेजोरिटी से, यानी कि 545 को 2 से डिवाइड कीजिए और 1 जोड़ दीजिए। ऐसा ही राज्यसभा में भी कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यह भी मीट होना चाहिए। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी 2/3 जो लोग प्रेजेंट है हाउस में और वोट देने के लिए तैयार है, उसका 2/3 भी होना चाहिए। केवल मेजोरिटी से भी नहीं होगा, मेजोरिटी तो 2 से डिवाइड कर दोगे, 1 जुट जाएगा तो हो जाएगा, 2/3 ज्यादा हो जाएगा। अगर 545 प्रेजेंट हैं तो मेजोरिटी से ज्यादा हो जाएगा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये संविधान 124(4) कहता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जज हटेगा, यानी पार्लियामेंट में पास होगा। कैसे पास होगा मैं बताया, और तब राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा। एक सिंपल पहले यह बात समझें, आगे और मैटर इसमें आने वाला है कि कैसे क्या होगा। अब देखिए, यहां आपको ध्यान देना है आगे की जो बातें आ रही है, ठीक है। वो ध्यान देने वाली बात यह है कि किस ग्राउंड पर हटाएंगे, ग्राउंड क्या मेंशन करता है संविधान। तो वो कहता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर का होता है प्रमाणित दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार या कदाचार, जो भी इसका सुटेबल वर्ड आप मानिए। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये वर्ड प्रूव्ड है, कहीं कहीं पर केवल मिसबिहेवियर है, कितना माइन्यूट है, और जगह पर केवल मिसबिहेवियर लिखा है संविधान में। यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है प्रूव्ड, मतलब ये साबित हो जाए, प्रमाणित हो जाए, प्लस इनकैपेसिटी अयोग्यता की बात है, अक्षमता की बात है, यही दो वर्ड है। सबके लिए हटाने के लिए अलग अलग वर्ड है। जैसे मैंने अपने पिछले क्लास में कहीं पर जिक्र किया था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए है संविधान का उल्लंघन, यहां पर यह वर्ड नहीं है। तो किसको किस ग्राउंड पर आप हटाओगे, वह ग्राउंड भी मेंशन है और यह संविधान में ही मेंशन है। और यही बात हाईकोर्ट में भी है, 124(4) सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन यह हाईकोर्ट भी कहता है कि यही वहां पर भी लागू होता है। क्लियर है कि नहीं? अब आप सीधे फ्लो चार्ट पर आइए। फ्लो चार्ट क्या है और इसको आपको ध्यान से देखना है, इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखना है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज जो है रिमूव होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज कैसे रिमूव होगा, यानी उसके स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कार्य हैं, इस दिशा में कैसे कैसे आगे बढ़ना है, समझना है इस बात को ध्यान से, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है लेकिन यहां बहुत क्लियर कट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा मे गिव अ साइंड नोटिस टू द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। इसका मतलब हुआ कि एक साइंड नोटिस देना पड़ेगा, साइंड नोटिस, राइट। तो मैं बता रहा था फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की शुरुआत कैसे हो रही है, तो सबसे पहले फ्लो चार्ट की शुरुआत हो रही है कि एक हस्ताक्षरित नोटिस देना है, एक साइन किया हुआ नोटिस देना है। किसको नोटिस दोगे? प्रेसाइडिंग ऑफिसर को दोगे, यानी कि जो हाउस का प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा को भी दे सकते हो, राज्यसभा को भी दे सकते हो। प्रेसाइडिंग ऑफिसर दोनों का है, लोकसभा का स्पीकर है, राज्यसभा का चेयरपर्सन है। अगर इच्छा है कि जज को हटाना है तो एक साइंड नोटिस देना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। पहले तो नोटिस दोगे ना जी। यह नोटिस जो साइंड नोटिस है, कम से कम अगर लोकसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को दे रहे हो, स्पीकर को, तो कम से कम 100 MP का साइन होना चाहिए, 100 MP लोकसभा। और अगर राज्यसभा को दे रहे हो तो ऐसे नोटिस पर 50 MP राज्यसभा का साइन होना चाहिए, तभी यह नोटिस वैलिड है, अदरवाइज नॉट वैलिड है। पहला रिक्वायरमेंट है नोटिस देना, किसको? प्रेसाइडिंग ऑफिसर को। और नोटिस में यह बात होगी कि यह जज है जिस पर यह आरोप है,
प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, यही बातें उसमें लिखेंगे और सब लोग साइन करेगा एंड नोटिस हैंड ओवर हो जाएगा एक डेट पर। क्लियर है ना? दूसरी बात, प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे वो स्पीकर हो या लोकसभा हो, है ना, सॉरी स्पीकर हो या चेयरपर्सन हो, मे डिस्कस विथ लीगल एक्सपर्ट एंड एग्जामिन रेलिवेंट मटेरियल टू द नोटिस चार्जेस नॉट टू बी डिस्कस्ड इन पब्लिक बिफोर इट इज फॉर्मली एडमिटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर ये जब हो गया तो यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस पर विचार करता है। ये क्या करेगा? विचार करेगा जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। नोटिस दोनों जगह तो दिया नहीं जाएगा, एक ही जगह आप कहीं दोगे, तो राय विचार विमर्श करेगा कि सही नोटिस है गलत नोटिस है, कहीं बेकार का तो चार्ज नहीं है, चार्ज को साबित करने के लिए इविडेंस तो है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो है, संपूर्ण बातें हैं। आप जज को हटाने की बात करने जा रहे हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्कस कर रहा है लीगल एक्सपर्ट से, एग्जामिन कर रहा है, और तब तक जो नोटिस देने वाले हैं उनको अपना मुंह बंद रखना होगा पब्लिक में। यह नहीं कि पेपर में छपवा दिए हिंदुस्तान में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि हमने तो नोटिस दिया है, ये तो खराब जज है। यू कैनॉट डिस्कस इन पब्लिक अनलेस इट इज एडमिटेड। ध्यान रहे, अभी तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, अभी डिस्कस का दौर चल रहा है, उसको समय दीजिएगा ना विचार करने के लिए। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे डिसाइड टू आइदर एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट। अब ध्यान रखिए, तीसरा स्टेज है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास दो ऑप्शन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास या तो इस नोटिस को स्वीकार कर ले, एडमिट कर ले, मान ले और आगे बढ़े, या फिर इस नोटिस को अस्वीकार कर दे, रिफ्यूज कर दे। यानी कि यह प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिस्क्रिशन है, विवेक पर निर्भर करता है कि वो एडमिट करता है कि नहीं करता है। और अगर एडमिट नहीं करता है तो नोटिस देने वाले सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं, क्यों मेरे नोटिस को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जा रहे हो और उस मोशन को रिजेक्ट कर दिया, अब वही मैटर लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, क्यों रिजेक्ट किया उसके निर्णय को, किसके निर्णय को चैलेंज कर रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट में? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। क्लियर है ना? स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट, तो दैट इज द थिंग्स। अब ये दो चीज हो गया, अब रिफ्यूज हो गया तो खत्म है मैटर, वहीं पर किल हो गया। अगर रिफ्यूज कर दिया तो आगे का मामला नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर एडमिट कर लिया देन चौथा स्पीड आ जाएगा, इफ एडमिटेड। अगर स्वीकार कर लिया इस नोटिस को, इस मोशन को जज को हटाने के बाद अगर स्वीकार कर लिया, देन इफ द मोशन इज एडमिटेड द कंसर्न प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3-member इंक्वायरी कमेटी, 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित करेगा। कौन? जो एडमिट किया, जो नोटिस को स्वीकार किया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वह एक इंक्वायरी कमेटी जांच आयोग का गठन कर रहा है, 3-member है ना इंक्वायरी कमेटी। क्वेश्चन आता है कौन कौन होगा इंक्वायरी कमेटी में? इसमें होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर वो नहीं हो तो। सुप्रीम कोर्ट का जज, यहां पर रिटायर्ड वर्ड मैंने नहीं डाला है, इसका मतलब है जो जज पोस्ट पर हो, यानी सर्विंग जज, इट इज नॉट रिटायर्ड जज। और रिटायर्ड डाल दिया, यूपीएससी केवल एक वर्ड डालेगा, आप कंफ्यूज है, सब तो ठीक ही लग रहा है, वही वर्ड है, ध्यान रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा, दो लोग हो गया। और तीसरा इसमें होगा एक ख्याति प्राप्त न्यायविद, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ ओम बिरला। मान लीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नजर में ख्याति प्राप्त न्यायविद हो, न्याय का जानकार हो, वो एक कोई भी हो सकता है बंदा,
एकेडमिक लाइन का भी हो सकता है, लीगल लाइन का भी हो सकता है, सोलिसिटर जनरल हो सकता है, अटॉर्नी जनरल हो सकता है, रिटायर्ड हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, उसके माइंड में ख्याति प्राप्त हो। इसका मतलब है कि यहां पर एक इंक्वायरी कमेटी बन रही है, जांच आयोग। इंक्वायरी कमेटी यानी कि जांच आयोग बन रहा है, जांच आयोग। और इस जांच आयोग में तीन लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट का जज, किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस और एक ख्याति प्राप्त न्यायविद। और जांच आयोग बन गया तो क्या काम करेगा, क्लियर है, जांच ही तो करेगा। जो नोटिस दिया है, जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है, राइट तो यही है। इंक्वायरी कमेटी विल बी फॉर्म ज्वाइंटली बाय बोथ द पीओज इफ सच नोटिस हैव बीन एडमिटेड इन बोथ हाउसेज। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि हटाने का नोटिस दोनों को दे दिया, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। लोकसभा के स्पीकर को भी दे दिया, राज्यसभा के चेयरपर्सन को भी दे दिया, दोनों को नोटिस दे दिया और दोनों लोगों ने एडमिट कर लिया। मान लीजिए ऐसा मुद्दा है, लोकसभा का स्पीकर भी कर लिया और यह भी कर लिया, ऐसे केस में कहता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल में बता रहा हूं, इट्स वेरी एडवांस लेवल। ऐसे केस में कहता है कि इफ सच नोटिस हैव बीन एडमिटेड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों में के प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने एडमिट कर लिया, तो होगा क्या कि इंक्वायरी कमेटी विल बी फॉर्म ज्वाइंटली बाय बोथ पीओ, दोनों लोग मिलकर तय करेंगे इंक्वायरी कमेटी में कौन होगा। इन दिस केस ऑफ ड्यूअल नोटिस द मोडिस नोटिस गिवन ऑन अ लेटर डेट शैल स्टैंड रिजेक्टेड। इसका मतलब हुआ, ध्यान से दीजिए, दोनों लोग मिलकर इंक्वायरी कमेटी तय कर रहे हैं, क्योंकि कौन होगा हाईकोर्ट का ये लोग तय करेगा और ख्याति प्राप्त न्यायविद कौन होगा। अब आपके समक्ष एक प्रश्न होगा कि मान लीजिए लोकसभा को भी नोटिस दे दिया, राज्यसभा को नोटिस दिया, तो जो दो अलग अलग डेट पर दिया होगा ये मान के पहले चलिए, तो जो बाद में नोटिस दिया, जैसे आज है 19 तारीख तो आज एक नोटिस दिया और एक कल नोटिस दे दिया 20 तारीख को, तो जो 20 तारीख वाला दे दिया वो नोटिस रिजेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ने के मामले में जो लेटर डेट पर दिया हुआ है, जो बाद के डेट पर दिया हुआ है, दैट शैल बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जो पहले डेट को दिया है, वेरी फर्स्ट नोटिस दिया है, वही अलाउ होगा, वही आगे बढ़ेगा, और जो सेकंड डेट पर दिया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन नोटिस चूंकि दोनों को दिया है, दोनों में साइन है लोगों का, तो दोनों मिलकर इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। कोई डाउट है यहां पर, बताइए इस पॉइंट पर, किसी को कोई डाउट है? अगर दोनों को नोटिस, क्योंकि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है, राइट? अब अगला स्टेज कह रहा है, अब इंक्वायरी कमेटी आ गई, तो इंक्वायरी कमेटी टू फ्रेम चार्जेस फॉर कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये चार्जशीट करेगा, आरोप पत्र कहा जाता है इसको, चार्जशीट मतलब आरोप पत्र, और आरोप पत्र में आरोप होंगे और आरोपों को साबित करने के लिए उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, राइट? यही कर रहा है। अब मैटर चला गया इंक्वायरी कमेटी के बाद, चाहे वो एक हाउस ने बनाया हो या ज्वाइंटली दोनों लोगों ने मिलकर बनाया हो, काम इंक्वायरी कमेटी करेगा। द इंक्वायरी कमेटी टू फ्रेम चार्जेज, और चार्जशीट की एक कॉपी उस जज को दी जाएगी। आप अपना पक्ष रखिए भाई, जिस पर आरोप है उसको अपना डिफेंस देने का मौका करिएगा ना, उसको अपना बचाव डिफेंस का मौका तो मिलेगा। एक कॉपी उसको भी दी जाएगी, चार्जशीट की कॉपी, जो जज पर चार्ज है कि उसने मिसबिहेव किया है या इनकैपेसिटी का जो चार्ज है, उसको मौका मिलेगा अपना रिटर्न अपना एक्सप्लेनेशन दो, एक तरह से शोकॉज, या फिर आप कहिए कि उसको अपना रिप्लाई देना है, जिसे डिफेंस रिप्लाई कहा जाता है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत हर आरोपित व्यक्ति को अपना बचाव करने का अधिकार है कि नहीं? इवन एक व्यक्ति जो मर्डर किया है आपके आंख के सामने, उसको भी
न्याय के सिद्धांतों के तहत यह राइट है कि वो अपना डिफेंस करे कि मैंने नहीं किया है, और फिर आगे न्यायपालिका निर्णय करती है। इस जज को भी एक कॉपी दी जाएगी। आफ्टर कंक्लूडिंग इट इन्वेस्टिगेशन द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट। वो मौका दिया तो वो जज भी अपना देगा, अपना बचाव जो भी देना होगा, और उसके बाद यहां पर रिपोर्ट आएगी, यानी जांच आयोग की रिपोर्ट, जांच आयोग का प्रतिवेदन आएगा। अपना रिपोर्ट देगा ना जी, जांच करके क्या निकाला, क्या हुआ, क्या निर्णय पर पहुंचा जांच कमेटी ने, किसको रिपोर्ट देगा जांच आयोग, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जो बनाया उसी को ना देगा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जांच प्रतिवेदन दे रहा है कौन, जांच आयोग, कि आरोप सही हुए नहीं हुए जो भी है वो दे रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, और अगर दोनों लोगों ने मिलकर बनाया है तो यह दोनों लोगों को देगा, ऐसे ही है। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद अगर उसमें मिसबिहेवियर पता चलता है कि हाँ जी मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है, अगर पॉजिटिव है, आप समझिए, अगर पॉजिटिव मामला पाया गया, हां साबित कर दिया जांच आयोग ने कि वह जज प्रूव्ड मिसबिहेवियर है का केस बनता है, कदाचार का मामला है, दुर्व्यवहार का मामला है, अयोग्यता का मामला है, इफ दिस इज एस्टेब्लिश्ड, अगर यह स्थापित हो गया कागजों में, तब वहां पर मोशन आएगा अगला स्टेज में, मोशन, और मोशन के बारे में मैंने बताया है, मोशन मतलब प्रस्ताव, कहां आएगा, जहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने नोटिस को एडमिट किया था, क्या जी, जहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने नोटिस को एडमिट करने के बाद इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। तो अगर लोकसभा है तो लोकसभा, राज्यसभा है तो राज्यसभा, अगर डबल नोटिस गया है तो एक नोटिस रिजेक्ट हो रहा है जो बाद के डेट पर दिया हो, मतलब एक ही हाउस में होगा मामला, स्टार्टिंग एक हाउस में, चार सीट पर रिपोर्ट आ गई, इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट में साबित है कि जज गलती किया है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज गलती किया है, मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो गया, इनकैपेसिटी प्रूव्ड हो गया, अब वो हाउस में आ रहा है मोशन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, जहां पर भी सबसे पहले यह केस एडमिट हुआ हो। क्लियर है कि नहीं, ये क्या जी, क्या देख रहे हैं, उधर तो ध्यान है लेकिन इधर भी ध्यान है, क्योंकि किताबों में से नहीं होगा सारा क्लियर, फ्लो चार्ट आप समझ रहे हैं, जज को हटाने का बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, हजार आदमी में दो आदमी नहीं बता पाएगा, यूपीएससी वाला भी नहीं बताएगा, जो तैयारी अच्छा से करता हो वो भी नहीं क्लियर कट हो जाता है कि फ्लो चार्ट है क्या, और मैं एग्जैक्ट फ्लो चार्ट दे रहा हूं आपको, इसलिए अटेंशन चाहिए आपका, फुल अटेंशन, मुद्दा गंभीर है बट आप समझने की विषय है, क्योंकि आप आसानी से समझ सकते हैं, ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे तरफ से। मोशन कहां आ रहा है, जिस हाउस में नोटिस एडमिट हुआ, जिस हाउस ने इंक्वायरी कमेटी बनाया, और जिस हाउस को के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मिली, दूसरा हाउस अभी साइलेंट है, बैकग्राउंड में है, दो हाउस है ना, लोकसभा राज्यसभा, एक हाउस अभी बैकग्राउंड में है, उसको कोई मतलब नहीं है, अभी एक हाउस एक्टिव है, बिल्कुल पीच पर खड़ा है बैटिंग करने के लिए, और दूसरा हाउस साइलेंट है, पेवेलियन में बैठा हुआ है। मोशन आया, किस चीज का मोशन, जो इंक्वायरी रिपोर्ट यहां पर होगी, और जो नोटिस है और इंक्वायरी रिपोर्ट, ये मोशन आएगा, तो मोशन पर दो ही चीज होता है, एक चर्चा होगा मोशन पर, और दूसरा क्या होगा, वोटिंग। मोशन मतलब तो यही दो चीज होता है, चर्चा होगा और इस पर वोटिंग होगी, यही दो चीज होगा। ठीक है, द मोशन फॉर रिमूवल इज रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड। अब इसको कैसे करोगे आप ये जान लीजिए, ये मोशन पास होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे मोशन पास होगा, ये मैंने बताया, यह मोशन पास होगा
50% प्लस यानी कि मेजोरिटी, मानिए मेजोरिटी बहुमत से पास होगा ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि सदन की जो कुल संख्या है, सदन की कुल संख्या का बहुमत। तो लोकसभा का मामला कितना हुआ, 272 की 73 और राज्यसभा का बोलिए डाउट है क्या कुछ, 245 को 2 से भाग दीजिए और एक जोड़ लीजिए, यही ना बहुमत हुआ, 123 या 273 72 जो भी हो, उतना प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे मान लीजिए कि 545 में 545 सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठ रहा है, प्रेजेंट है और वोट देने के लिए भी तैयार है, तो 545 इंटू 2/3 निकालिए, कैलकुलेट कीजिए कितना हुआ, सी सेट देना है ना, निकालिए 545 गुना 2/3 कितना हुआ। सबसे पहले देखिए कौन करता है, कितना हुआ, कितना लोग का 350 आया, 362 जो भी हो 362 मान लीजिए हो गया, यह भी मिट होना चाहिए, केवल 273 से नहीं होगा, केवल 273 लाने से ही नहीं होगा, ये तो होना ही चाहिए, ये भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, एक मोशन कैसे पास हो रहा है लोकसभा में जब इंक्वायरी कमेटी में पॉजिटिव हो गया मामला, तब वो आ रहा है लोकसभा में, चूंकि लोकसभा का ही स्पीकर ने इंक्वायरी कमेटी बैठाया था, स्पीकर ने ही नोटिस को एडमिट किया था, अब लोकसभा में मामला आ गया है मोशन के रूप में, और यहां क्या हो रहा है, डिबेट हुआ और वोटिंग हुई, और वोटिंग का रिक्वायरमेंट है कि यह मोशन आगे बढ़े, पास हो, इसके लिए जरूरी है कि यह टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी मतलब 273 और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। कल्पना कर लीजिए कि सभी लोग हैं 545, तो कम से कम 362 मिलना ही चाहिए, सभी 545 ओके करता है, नो इश्यू, इससे कम हो गया 360 या 61 तो वो नहीं पास होगा। एनी डाउट, बोलिए डाउट है कोई, कोई ज्यादा भारी विषय तो नहीं है, पास हो गया। द मोशन फॉर रिमूवल इज रिक्वायर्ड टू बी एडॉप्टेड इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पहले आप मेन समझ लीजिए, मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, इफ द मोशन इज एडॉप्टेड और यहां पर मोशन पास हो गया यानी कि स्वीकृत हो गया यह मोशन लोकसभा में, स्वीकृत हो गया, एक हाउस का काम खत्म, एक हाउस का काम खत्म, अब यह जाएगा राज्यसभा में, इट विल बी, अब यह जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा ने अब क्लियर कर लिया, अब यह जा रहा है कहां, राज्यसभा में, समझ रहे बात, क्योंकि पहले लोकसभा में एडमिट हुआ था तो अब तो राज्यसभा में जाएगा, मैं कहा कि एक हाउस काम करेगा तो दूसरा अभी बैठे रहेगा बैकग्राउंड में, अब रोल आ गया राज्यसभा का, क्योंकि दोनों हाउस से काम होना है, ये तो वर्ड पार्लियामेंट है, केवल लोकसभा राज्यसभा तो है नहीं, एक हाउस तो कुछ भी अकेले नहीं कर पाएगा। वंस द मोशन इज एडॉप्टेड, दोनों हाउस में अगर एडॉप्ट हो गया, अब ये राज्यसभा में जा रहा है तो राज्यसभा में बहस होगा, अब ध्यान दीजिए राज्यसभा में भी बहस होगा यहां पर, और यहां पर भी मोशन आएगा, राज्यसभा में भी बहस होगा, राज्यसभा में भी मोशन आएगा और राज्यसभा में भी वैसे ही पास होगा जैसा कि लोकसभा में, यानी टोटल मेंबरशिप का बहुमत, कुल संख्या का बहुमत और 2/3 जो उपस्थित हैं और वोट देने के लिए तैयार हैं, ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरा करते हुए राज्यसभा में भी पास करना होगा। लेकिन यहां पर एक नई बात हो रही है जो लोकसभा में नहीं हो रही है, ये सेकेंड हाउस हो गया राज्यसभा,
हो सकता है लोकसभा ही से पहले अगर राज्यसभा में आता तो लोकसभा सेकेंड हाउस होता। अगर यह मामला पहले राज्यसभा में आता तो लोकसभा सेकेंड हाउस होता, लेकिन यहां पर हमने पहले मान लिया कि लोकसभा में पहले आया है, अब राज्यसभा सेकेंड हाउस है। तो जो भी सेकेंड हाउस है, क्योंकि एक हाउस पास कर चुका है मोशन को, अब आ गया सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में जो आरोपित जज है उसको स्वयं प्रकट होकर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने पक्ष को रखने का पावर है यहां पर। या तो वह स्वयं उपस्थित होगा सशरीर या थ्रू हिज एडवोकेट ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ कि मैं दोषी नहीं हूं, यह इसको पावर है और अपना पक्ष ये रखेगा और उसके बाद यहां पर वोटिंग होगी। राज्यसभा अपना निर्णय कैसे देता है? वोटिंग के माध्यम से। वोटिंग होगी और यहां पर पास अगर वैसे ही हो गया टोटल मेजोरिटी से नंबर का और 2/3% एंड वोटिंग, तब लास्ट में आ जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और प्रेसिडेंट एक फॉर्मल ऑर्डर निकालेगा, औपचारिक आदेश, औपचारिक आदेश निकालेगा। और आदेश निकलते ही जज खत्म। दिस इज कॉल्ड रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। यहां पर वर्ड इंपीचमेंट नहीं है, महाभियोग वर्ड नहीं यूज हुआ है, रिमूवल यूज हुआ है। संविधान में जो दिया हुआ है उसकी हम बात करें और हम बुक से गाइडलाइन नहीं लेते। हमारा संविधान क्या कहता है, क्योंकि हमारा गीता यही है, बाइबिल यही है, कुरान यही है, हम इसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द मेन थिंग्स। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर प्रेसिडेंट, और ये वर्ड दिया हुआ है तो कहीं पर अगर है संविधान में सोमी रिमूवल वर्ड है, प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट वर्ड दिया हुआ है महाभियोग, जो अमेरिकन सिस्टम से आया है। तो सबसे पहले बताया, चाहे लोकसभा को नोटिस दिया चाहे राज्यसभा को। अब एक क्वेश्चन है कि दोनों को नोटिस दिया तो क्या हुआ, तो बाद के डेट पर जो नोटिस देगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक ही नोटिस रह गया, दूसरा हाउस अपना बैकग्राउंड में बैठा रहेगा। जब एक हाउस पास कर दिया तो दूसरे हाउस के पास जाएगा और दूसरा हाउस भी पास करेगा, तब आएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा और आदेश निकलते ही जज अपने पद पर नहीं रहेंगे, एक सिविलियन बन जाएंगे। क्लियर हुआ? समझे थे ऐसे चीज को, जज को हटाने की प्रक्रिया को इतना डिटेल्ड में? पेंशन पर कोई वर्ड नहीं कहा गया है, हटाने की बात है। ये आईएएस लोगों का मामला होता है, डिप्टी कलेक्टर लोगों का मामला होता है कि हटा दिया गया तो पेंशन सीज हो जाएगा, वो अलग मामला है। यहां पर पेंशन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मिलेगा वो, ठीक है। इतनी लंबा से नहीं, क्लियर हुआ? एनी डाउट इन दिस रिगार्ड? या सेम डेट को भी अगर नोटिस ऐसा दे दिया तो दोनों लोग मिलकर फैसला करें कि कौन सा नोटिस रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि एक ही काम करेगा, बैटिंग एक ही ना करेगा, एक साथ दो दो आदमी विकेट पर, एक ये बैट्समैन यहां भी बैट्समैन, तो अब बॉलर एक ही है तो कैसे होगा? बैटिंग एक ही कोई करेगा ना, स्कोप तो एक ही आदमी के खड़े होने का है विकेट के सामने, क्योंकि दूसरा हाउस उसके बाद डिबेट और डिस्कस करेगा। क्लियर हुआ? और मुझे लगता है कि कभी नहीं भूलेंगे इन चीजों को, आप लोग नहीं भूलना चाहिए। बोलिए, दोनों, फिर अपने अपने मन से क्यों व्याख्या कर रहे हैं? दोनों दोनों मतलब 273 तो होगा ही लोकसभा के मामले में, और 362 भी हो, 362 है तो ये ऑटोमेटिक हो गया, दोनों पूर्ण होना चाहिए। लोकसभा में मामला आया, 545 संख्या है,
545 लोग बैठने के लिए तैयार हैं, तो कितना संख्या, कितना पॉजिटिव वोट आया कि यह पास होगा, यह प्रश्न है अभी। तो मैं कह रहा हूं 545 का बहुमत कितना होगा, 273 हुआ मान लीजिए, और इसका दो तिहाई कितना हुआ, 362। ठीक है, मान लीजिए कि 300 लोग वोट दिया पॉजिटिव, 300 पॉजिटिव दिया वोट, तो ये तो पूरा हो गया, 300 के अंदर में है, और ये नहीं हुआ तो डिफीट हो जाएगा, वो नहीं पास होगा। फिर 350 दिया, ये तो हो गया, ये नहीं हुआ, डिफीट हो जाएगा। 400 लोग दिया, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ओके होगा, दोनों एक साथ, ये रिक्वायरमेंट है। टू थर्ड में ऑटोमेटिक कवर्ड है ये संविधान इसलिए लिखा हुआ है कि मेजोरिटी होना चाहिए। अगर लोकसभा का संख्या इधर उधर घटता बढ़ता है सुनिए ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग और टोटल मेजोरिटी में अंतर हो जाएगा। फिर अगर लोकसभा का सदस्य घटता बढ़ता है, ये सब दिया हुआ है, तो बहुमत एक अलग चीज है जो 50% प्लस की बात है, और टू थर्ड एक अलग चीज है। तो मान लीजिए कि टू थर्ड पास हो गया तो 273 हो गया, ठीक है, ये मेजोरिटी तो हो गया, और मेजोरिटी तो हो गया, और जब ये ना होकर 300 ही पॉजिटिव वोट आया, मान लीजिए 300 ही वोट आया तो 273 तो हो गया, लेकिन 300 उससे कम है, और मान ले कि लोकसभा का संख्या आगे, ये संविधान में इस बातों को लिखने का उद्देश्य यह है कि केवल बहुमत ही नहीं हो बल्कि दो तिहाई लोग चाहते हैं कि वो जज हट जाए, दो तिहाई बहुमत से एक बड़ा आंकड़ा है, तो दोनों को कह रहा है ये। मतलब संविधानों का अध्ययन करेंगे, विश्व संविधानों का अनेक देश में, तो यह माना जाता है कि एक जज को सिंपली क्षणभंगुरता के आरोप में नहीं हटाया जाए, ना केवल बहुमत ऐसा चाहे बल्कि बहुमत का भी बहुमत चाहे, और वो है टू थर्ड, दो तिहाई लोग चाहते हैं कि ये लोग हट जाए। दैट्स वाई ये संविधान का प्रावधान है जो संविधान निर्माताओं ने रखा है, क्योंकि ये हायर रिक्वायरमेंट हो गया, ऊंची रिक्वायरमेंट हो गया किसी भी जज को हटाने के लिए, संवैधानिक प्रावधान है, और वो प्रावधान का पालन हो रहा है। ऐसा अभी एक भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ, नाउ रेगुलेटिंग प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जज, जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसको कौन रेगुलेट करेगा, इस विषय पर कानून कौन बनाएगा। संविधान कहता है 124(5) कि इस पर कानून केवल और केवल पार्लियामेंट का कानून होगा, पार्लियामेंट का ही कानून बनेगा। रिमूवल रिजोल्यूशन टू बी पास्ड इन ईच हाउस, ये दिया हुआ है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस टू थर्ड, और हटाने का ऑर्डर राष्ट्रपति, ये बात है, हटाने का ऑर्डर राष्ट्रपति। अब संविधान में तो दिया हुआ है, इस बुक में पूरा मैं आर्टिकल रेफर कर रहा हूं, इस बुक में सारी बातें दी हुई है, लेकिन सारी डिटेल्स नहीं हुई है, कैसे डिफेंस होगा, कैसे इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी कैसे जांच करेगी, जज को कैसे मौका मिलेगा अपना डिफेंस रखने के लिए, संपूर्ण प्रक्रियाओं का फुल डिटेल्स कानून में है। वो कानून कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बनाएगा, और वो कानून का नाम है जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 एंड जजेज इंक्वायरी रूल्स 1969। यही मास्टर पार्लियामेंट्री लॉ है, ये पार्लियामेंट का लॉ है, संविधान के अलावा पार्लियामेंट का एक कानून है, जिस कानून के अनुपालन में न्यायमूर्तियों को हटाया जाता है,
वो है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये पार्लियामेंट का कानून है, 1968 में पास हुआ है, और उसके रूल्स भी बने हैं, नियम भी बने हैं, जो जजेज इंक्वायरी रूल्स 1969 है, ये दोनों को एक साथ पालन करते हुए संविधान को, इस एक्ट को और इस रूल्स को, तीनों के पालन अनुपालन में जजेज को हटाया जाता है। नाउ हटा लिए, हटाने की बहुत बड़ी बात हो गई, अब पॉजिटिव में आइए। बहुत नेगेटिव चर्चा हम लोग कर लिए, आज तक किसी को नहीं हटाया जा सका क्योंकि कभी सहमति नहीं बन पाती है, सहमति 2/3 बड़ा डाटा हो गया ना, तो 2/3 आएगा ही नहीं। इसीलिए ओथ, जज का शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान, शपथ लेता है जज, सुप्रीम कोर्ट का भी पद पर आने के पहले शपथ लेगा, ओथ लेगा या अफर्मेशन लेगा। ओथ गॉड के नाम पर होता है, अफर्मेशन सत्य ज्ञान से प्रतिज्ञान वो करता है, राइटिंग में देता है सारा चीजें, दोनों चीज में अंतर होता है, ओथ में अफर्मेशन में। बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हिज अपॉइंटी एज पर 3rd शेड्यूल, ओथ का लैंग्वेज क्या होगा, जो शपथ लेता है वो शपथ में क्या लाइन बोलता है, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, वो लाइन भी लिखा हुआ है इसी संविधान में कि कैसे शपथ लेना है। आई सो एन सो, ये तीसरी अनुसूची में है, ये शपथ का जो लाइन है वो तीसरी अनुसूची में है कि शपथ ग्रहण का लाइन क्या, शपथ का क्या लैंग्वेज होगा। 3rd शेड्यूल में यही चीज दिया हुआ है, सभी का शपथ ग्रहण, शपथ का लाइन दिया हुआ है उसमें लैंग्वेज। राष्ट्रपति के समक्ष लेगा शपथ, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त किया गया हो कि उसके सामने हो जाए, तो राष्ट्रपति कह सकता है कि उसके सामने हो जाए, या हिज अपॉइंटी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई बंदा, हो सकता है उपराष्ट्रपति को कहे कि आप शपथ दिलवा दो। यहां पर गवर्नर के सामने, हाई कोर्ट गवर्नर के सामने या गवर्नर का कोई नियुक्त, और लैंग्वेज 3rd शेड्यूल में है दोनों में। क्लियर हुआ शपथ ग्रहण। रिटायरमेंट के बाद 65 साल में रिटायर हो गए, 62 साल में रिटायर हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल में, हाई कोर्ट का जज 62 साल में, रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो, तो दिया हुआ है पोस्ट रिटायरमेंट प्लीडिंग्स, यानी कि क्या वकालत कर सकता है जज रिटायर होने के बाद। कैन नॉट प्लीड इन एनी कोर्ट अथॉरिटी विद इन इंडिया, यानी विदेश में कर सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर पक्ष रख सकता है, बट भारत के किसी भी कोर्ट में वो नहीं कर सकता वकालत। नहीं, प्लीड मतलब वकालत, किसी का मामला टेकअप करना। यह दिया हुआ है 124(7) में, इसका मतलब है कि वकालत, वो वकील नहीं बन सकता रिटायर होने के बाद, केस नहीं लड़ सकता। और यहां पर है कैनॉट प्लीड इन एनी कोर्ट अथॉरिटी विद इन इंडिया एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है हाई कोर्ट का जज, और अदर हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट का जज पटना हाई कोर्ट से रिटायर हो जाता है तो पटना हाई कोर्ट में नहीं करेगा, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में कर सकता है वकालत, या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद कहीं नहीं करेगा बाहर के अलावा, मतलब इंडिया में कहीं वकालत नहीं करेगा। जहां जहां वो वर्क किया है वहां नहीं करेगा, जहां जहां वो काम किया है, क्योंकि वहां इन्फ्लुएंस उसका रहा है, वहां निर्णय दिया है वो। जज नहीं, वकालत करने की बात कर रहा हूं, केस लड़ने की बात कर रहे हैं, किसी क्लाइंट का केस लड़ने की बात हो रही है। वकील तो बन सकता है ना, 62 साल में वो महसूस करता हो कि हम क्यों घर में बैठ जाए, पैसा आते रहे,
वकालत करने लगेगा, वकील बन जाएगा। सैलरीज एज पर सेकेंड शेड्यूल, द्वितीय अनुसूची में यह विषय मेंशन है कि कितना सैलरी मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को, सेकेंड शेड्यूल में। और इसको पावर दिया गया है पार्लियामेंट को जजों के सैलरी के बारे में, चाहे हाई कोर्ट का जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो। हाई कोर्ट में विधानसभा नहीं है, हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट के जज के सैलरी का निर्धारण केवल और केवल संसद के एक्ट के माध्यम से बनेगा, कानून बनकर होगा। सेकेंड शेड्यूल में शुरू में दे दिया गया जब संविधान बना, उसके बाद पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया कि जजों के सैलरी को आप निर्धारित कीजिए। प्रेजेंट सैलरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2.8 लाख मिलता है सैलरी, 2.8 लाख, 2,80,000, और अन्य जजों को 2,50,000 मिलता है। जी ये मूल ही है, उसके अलावा और सब कुछ है, मूल ही है सैलरी। और यहां पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को 2.5 लाख और अन्य जजों को 2.25 लाख, 2,25,000 ये मिलता है। ये करंट रेट है, आगे चेंज करना है तो पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। क्लियर है? कितना क्वेश्चन होगा यहां से? क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा इसके बाहर ये बताइए। आइए अगला क्वेश्चन, जो सुप्रीम कोर्ट है जो हाई कोर्ट है, इनकी जो सैलरी है, इनके ऑफिस का जो खर्चा है, इनका पेंशन का जो खर्चा है, और ये नहीं कि कार्यपालिका के खिलाफ निर्णय दिया तो कहा कि तुम्हारा सैलरी बंद कर देंगे हम। बिहार में आईएएस लोग का सैलरी बंद हो जाता है, अन्य लोगों का भी सैलरी बंद हो जाता है। आप जब जलेंगे डिप्टी कलेक्टर बनेंगे बीपीएससी के माध्यम से तो थोड़ा सा कोई इशू आएगा तो आपका सैलरी बंद हो जाता है। यहां का सिस्टम है बिहार का, और जगह का नहीं है। ओनली इन बिहार इट इज सीन कि सैलरी इज स्टॉप्ड, विच इज मतलब दैट इज अगेंस्ट द वायलेशन, ये नियम ही नहीं है कहीं पर, बट यहां हो जाता है बिहार में। अगर एग्जीक्यूटिव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया कल की रुको तुम्हारा सैलरी ही हम बंद कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट डिफंक्ट हो जाएगा, हैंडीकैप हो जाएगा। कहा है सैलरी बंद करना तो छोड़ दो, क्योंकि जो सैलरी होती है वो सीधे सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के माध्यम से पे होती है, किसी का बस नहीं है, इस पर वोटिंग तक नहीं हो सकता। इवन वोट नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर है जो मैं कल एक्सप्लेन किया था सारा चीज, बट हाईकोर्ट का पेंशन एक्सेप्ट पेंशन हाईकोर्ट दैट इज चार्ज, हाई कोर्ट का पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है, जिस राज्य से वो रिटायर किया, जिस हाई कोर्ट से रिटायर किया उस राज्य के संचित निधि से, हर राज्य का संचित निधि भी है, वहां से उसको मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यही दोनों अंतर है जो कि बार बार पूछा गया है। हाई कोर्ट के जज की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, लेकिन हाई कोर्ट के जज का पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और सुप्रीम कोर्ट का सैलरी और पेंशन दोनों इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। प्रिविलेज दिया हुआ है, अलाउंस है, लीव है, ये सब चीज है, पार्लियामेंट इसको करता है, यहां पर भी पार्लियामेंट करेगा। ट्रांसफर ऑफ जजेज, हाईकोर्ट का जज ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट का जज है मान लीजिए, तो ट्रांसफर होकर जा सकता है अमेरिका हाईकोर्ट में, ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट में, हाई सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है तो कहां होगा ट्रांसफर होकर, कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो ट्रांसफर का तो मैटर बनेगा ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज कहां ट्रांसफर होकर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हाई कोर्ट का हो सकता है, पटना वाले को भेजो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, अभी एक ट्रांसफर हुआ है। सो फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट कौन ट्रांसफर करेगा, राष्ट्रपति
किसके रिकमेंडेशन पर करेगा? कोलेजियम के रिकमेंडेशन पर। हमने यहां लिखा है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि रद्द हो गया, कोलेजियम के रिकमेंडेशन पर करेगा। कोलेजियम मैंने कहा उसका दोनों रोल है, नियुक्ति में भी और ट्रांसफर में भी। नहीं, अगर चीफ जस्टिस मान लो कि रिटायर कर गया, नहीं है कोई चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो संविधान कहता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अगर चीफ जस्टिस परमानेंट फुल टाइम नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो एक आदमी चाहिए ना चीफ जस्टिस के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए। हाई कोर्ट में तो एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सुप्रीम कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन भी है, कौन करेगा? अगर नहीं हुआ तो एक्टिंग बनाने का नियम है कार्यकारी, जब तक कि परमानेंट चीफ जस्टिस ना बन जाए। कौन करेगा? राष्ट्रपति बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एमोंग अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो लोग सीनियर लोग हैं, सीनियर मोस्ट जजेज में किसी एक को एक्टिंग जज बना देगा राष्ट्रपति। कब? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट वैकेंट हो गया या वो ड्यूटी करने में सक्षम ना हो, जैसे उसको हटा दिया गया आज, अब कल कैसे काम होगा? बेंच किसको कौन सा केस देना है कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि सब चीफ जस्टिस करता है, नहीं? या वो डेथ कर गया हो अचानक, या रिजाइन कर दिया हो, ऐसे केस आ सकते हैं ना। इसीलिए प्रावधान है एक्टिंग चीफ जस्टिस का। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसमें करेगा? जो सीनियर मोस्ट जज है उसी में। यहां पर कोलेजियम की सिफारिश नहीं चाहिए, क्योंकि कोलेजियम का हेड अभी है ही नहीं, चीफ जस्टिस ही नहीं है, तो कोलेजियम को हेड कौन करेगा? यह है। यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां पर भी एवं अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। जो हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं उनमें से किसी एक को, या सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज है उसमें से किसी एक को। समझ में आ रही है बात आपको? केवल देख तो नहीं रहे केवल? चलिए ठीक। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहोक और एडिशनल जजेज, एडहोक ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी संविधान, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप लोग एक लेवल का संविधानिक नॉलेज ले लीजिए। एडहोक जज भी बन रहा है कुछ समय के लिए, एडिशनल अतिरिक्त जज भी बन रहे हैं, ये दोनों का प्रावधान बुक में दिया हुआ है। अभी मैंने एक्टिंग की बात की, इसकी बात अब करें। यहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट का जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्य हो, क्वालिफाइड हो, क्वालिफिकेशन मैंने बताया है, एक ऐसा हाई कोर्ट का जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, क्वालिफाइड हो, वैसे जज को बनाया जा सकता है एडहोक या एडिशनल जज सुप्रीम कोर्ट में, एज एडहोक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट, यानी भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 127 एक के तहत एक हाई कोर्ट के एक ऐसे जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो को सुप्रीम कोर्ट का एडहोक जज बना सकता है, अस्थाई जज, भारत का राष्ट्रपति। और जहां तक बात है इस चीज का या एडिशनल का, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए रेफरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश जब ये मैटर राष्ट्रपति को भेजेगा तभी ऐसा संभव है। रिकमेंडेशन एनएस एनजेएसी, अब एनजेएसी मैटर तो है नहीं, इसका मतलब है कॉलेजियम। रिकमेंडेशन होगा कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि पटना हाई कोर्ट का एक जज अगर सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, पटना हाई कोर्ट का जज, उसको एडहोक या एडिशनल बनाना है एडहोक जज, तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पूछना है, और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस पर राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। ये तभी जब है जब कोरम ना हो, कोरम मतलब न्यूनतम जजों की संख्या जो आवश्यक है, अगर कोरम ना हो तब ऐसा होता है। कोरम के इशू पर आपको पता है कि हाई लोकसभा राज्यसभा इस सब का कोरम होता है, ऐसे यहां पर भी होता है, तो जब बिल्कुल न्यूनतम जज हो जाए तब ये बात होता है, जज काफी सीट वैकेंट रहता है ऐसा केस आता है। और यहां पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है
इस तरह के अपॉइंटमेंट पर भी 62 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको करेगा यहां 65 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोविजंस ये दिए हुए हैं। तो हम तो लिखे यहां पर कि जो जज बनने की योग्यता रखता हो, मैं क्या बोला, हम आपके लाइन को फॉलो नहीं करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का क्वालिफिकेशन रखता हो उसमें रिटायरमेंट है वर्ड, तो फिर वो मैटर कहां से आ गया, वो नहीं है वर्ड। अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट क्वालिफाइड टू बी इज दैट रेट, फिनिश करने दीजिए इसको। चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ यू नो रोस्टर, दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे भारत के, उन्होंने ही ये निश्चय वही निर्णय दिया था कि मास्टर ऑफ रोस्टर, रोस्टर मतलब कौन सा केस किसको किसको जाएगा, ये चीफ जस्टिस करता है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस करेगा कि हाई कोर्ट में किस जज को क्या क्या केस देना है, और वहां सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कौन कौन सा केस कौन देखेगा। नहीं, देयर इज नो कैडर सिस्टम। विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेज बैठ सकता है, जिनका क्वेश्चन था महाशय का कि रिटायर्ड जज, ये दूसरा पॉइंट है, रिटायर्ड जज बैठ सकता है 128-224A, रिटायर्ड जज भी बैठ रहा है जज के रूप में। विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से बैठ सकता है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और जज ऑफ द हाई कोर्ट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा, नहीं कहा जाएगा, शैल नॉट बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सब काम करेगा, सब बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा। सिमिलरली प्रोविजन वहां पर भी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अब पावर एंड फंक्शन की बात कर रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग नाउ पावर एंड फंक्शन। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पावर बात कीजिए, पावर ऑफ फंक्शन। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 एकदम फिंगर टिप्स पर रखिए, पूछा हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और इसका मतलब है कि जो न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। वही न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा जिसको कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का पावर होता है, दंडित करने की शक्ति होती है। इवन लोअर कोर्ट भी इस मामले में है, कंटेम्प्ट कोर्ट, कि उसका बात नहीं मानिएगा तो कर सकता है। कंटेम्प्ट 129, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 कहता है, क्या होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का पावर होगा, और यही पर भी हाई कोर्ट में भी है दिया हुआ 215 में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ये पार्लियामेंट का लॉ है, यानी कंटेम्प्ट पर कानून कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। और ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मानते, अगर आप हाई कोर्ट के जजों की बात आप नहीं मानते हैं, तो आप पर अवमानना चलेगा, और इसके लिए है पनिशमेंट 6 माह तक, या 2000 रुपये का फाइन, या दोनों, अवमानना के लिए, क्योंकि अभी अवमानना कई लोगों पर चला है हाल में, भले वो टेकअप नहीं हुआ। अभी महाराष्ट्र में आया था, वो कौन सा था जो चीफ जस्टिस एस ए बोबडे पर बोला था कि बाइक से घूम रहा है, बुलेट से, याद है, जब चीफ जस्टिस बोबडे थे तो उस समय मामला आया था। The power of contempt of Supreme Court, High Court are independent of Act 1971, वो अलग है, ये मैटर है सारा चीजें, contempt court है। Original jurisdiction, इसका मतलब होता है मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता, और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब मूल अधिकारिता। पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस का,
प्रिम्स का, इंटरव्यू का। और वैसे भी जानिए व्हाट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मूल अधिकारिता क्या है, हाई कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट का भी। इसका मतलब होता है वो कौन से केस हैं जो केवल और केवल वहीं लाए जाएंगे और कहीं पर नहीं, वो केस जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा और कहीं नहीं लाया जा सकता है, इसका मतलब है उसकी मूल अधिकारिता है और कोई उस पर अधिकारिता नहीं रखता, पावर नहीं रखता। गॉट माई पॉइंट? एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, यानी कि उसी को पावर है और किसी को नहीं है। मूल अधिकारिता का मतलब यही है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। अब इसमें देखिए 131 में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में चर्चा है, मूल अधिकारिता के बारे में, आर्टिकल 131। और यह दिया हुआ है कि इसमें के तहत जितने भी संघीय विवाद हैं, संघीय विवाद यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच जो भी फेडरल डिस्प्यूट हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे फाइनेंशियल हो, जिस तरह के हो, या लेजिस्लेटिव डिस्प्यूट हो, सारे के सारे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे। फेडरल डिस्प्यूट है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट के रूप में है। ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हुआ, यानी ऐसे मामले हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ऐसा कोई संघीय विवाद है तो वो पटना हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। यही मैटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बीच में जो आप देखेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है हाई कोर्ट का क्या है, हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन सिविल मैटर, हाई कोर्ट को भी पावर है सबसे पहले सुनने का, अपील माध्यम से नहीं, ये जान लीजिए। तो कई मामला है जैसे फंडामेंटल राइट के लिए केवल और केवल सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए, केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप जाते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा आपको, कहेगा पहले हाई कोर्ट जाओ। लोअर कोर्ट में फंडामेंटल राइट सुनेगा नहीं, रिट का पावर नहीं है, लोअर कोर्ट इज नॉट अ रिट कोर्ट, रिट कोर्ट कौन है पहला, हाई कोर्ट। तो वो चीज है, एडमायरलिटी है, विल है, मैरिज है, डाइवोर्स है, कंपनी लॉज है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इलेक्शन ऑफ एमपी एंड एमएलए, सबसे पहले हाई कोर्ट में, यानी इन विषयों पर हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। नीचे वाला नहीं सुनेगा उस विषय को, लोअर कोर्ट नहीं सुनेगा, और सुप्रीम कोर्ट फेडरल मुद्दा पर सुनेगा। लेकिन इसका यह है अपवाद भी है, अंडर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन फर्स्ट शुड ब्रॉट बिफोर सुप्रीम कोर्ट। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले आया था वेस्ट बंगाल एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1961, पहला केस जो सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत आया था, मूल अधिकारिता के तहत, वो है वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1961। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, बीपीएससी में, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अपवाद क्या हैं, एक्सेप्शन क्या हैं? ये हैं 363(1), एक ऐसा डिस्प्यूट विवाद जो किसी समझौता, ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट, सनद इत्यादि से संबंधित हो, जो भारत के संविधान के लागू होने के पहले से चला आ रहा हो, राजे राजवारों के बीच में कोई संधियां हुई हो, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो भारत का संविधान प्रारंभ होने के पहले से चला आ रहा हो, वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा सुप्रीम कोर्ट का। कोई ऐसा शिकायत हो, कंप्लेन हो, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में हम ही को पूछा था यह चीज पीटी में, आर्टिकल 362 से संबंधित, यह ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में नहीं माना जाएगा, हालांकि संघीय है, पंजाब हरियाणा के बीच में नदी जल का मामला है, फेडरल डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, हालांकि यह फेडरल ही डिस्प्यूट है पंजाब और हरियाणा के बीच के मामला, लेकिन कहता है कि पहले हाईकोर्ट में मैटर जाएगा। मैटर रेफर टू फाइनेंस कमीशन, जो मैटर फाइनेंस कमीशन को जा रहा है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत नहीं सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स 290, अ रेफरेंस इज मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131, रिकवरी ऑफ डैमेज बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर
ऑर्डिनरी डिस्प्यूट्स ऑफ कॉमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये 7 मामले हैं जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अपवाद हैं। अभी साथ में कोई भी पीटी में दे सकता है कि इसमें से कौन सा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगा नहीं होगा। डैमेज होने पर कर सकता है, इस तरह का कोई मामला बनता है तो सेंटर के द्वारा, मान लो कि स्टेट की प्रॉपर्टी है, एसेट है जो सेंटर के कारण अगर डैमेज हो रही है तो रिकवरी की बात है, ऐसा विवाद अगर हो जाए तो वो डिस्प्यूट आएगा। जिस जगह पर, जिसके बाउंड्री में घटित हुआ हो, नदी जल में ट्रिब्यूनल होगा और ट्रिब्यूनल के निर्णय को आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं एंड देन सुप्रीम कोर्ट में, मतलब ट्रिब्यूनल के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन पहला निर्णय तो ट्रिब्यूनल का होगा और ट्रिब्यूनल का निर्णय बाध्यकारी होता है, ये लिखा हुआ है 262 के तहत, नदी जल समझौता के लिए ट्रिब्यूनल बनेगा और उसका निर्णय बाध्यकारी होता है, सब पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, अपील अलग चीज है, अपील से आप आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर अपील है, अपीलिय ज्यूरिडिक्शन है, अपीलिय अधिकारिता, अपीलिय अधिकारिता, अपीलिय, अपीलिय अधिकारिता है, ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट का पावर है, यानी आप सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं अपील के मैटर पर, सुप्रीम कोर्ट के मैटर, सुप्रीम कोर्ट में आप किस लिए आ रहे हैं, अपील के लिए, अपील कर रहे हैं, कहां से आएगी अपील लेकर, हाईकोर्ट से। सो आप हाईकोर्ट के निर्णय को चैलेंज कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ये अपीलिय मैटर है। संवैधानिक मुद्दे पर भी कर सकते हैं और सिविल मैटर पर भी कर सकते हैं, बुक पढ़िएगा, डिटेल्स में दिया हुआ है, मेंस में भी इन चीजों को हम लोग टिकअप करेंगे। बस क्रिमिनल मैटर पर भी है, स्पेशल लीव पेटिशन 136 में है, विशेष अनुमति याचिका, फेडरल कोर्ट 135 में भी है, रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, अपने निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट बदल जा सकता है, 137 में है, पूछा हुआ है, अपने निर्णय को, गोलकनाथ के केस को बदल दिया केशवानंद भारती में, यानी कि रिवाइज कर सकता है अपने निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय से बंधा नहीं है, चेंज कर सकता है। और ये है लास्ट रूल्स ऑफ द कोर्ट है 145 के तहत, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल सुप्रीम कोर्ट, अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छे ढंग से।